हृदय स्थूल होता है, हृदय का पीड़ा शुरू होती है, उसका जो मूल कारण है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो जीवन शैली में परिवर्तन के कारण शरीर का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से सही नहीं होना, ठीक है, शरीर सही नहीं होना अर्थात आहार विहार सही नहीं होना, आहार और विहार दोनों उसके कारण सबसे महत्वपूर्ण इसमें हो जाता है। आहार विहार को ठीक कर ले, योगिक आहार विहार कर ले तो ये आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। और आने के पश्चात तो मान लो ऑपरेशन नहीं करवाए तो योग अभ्यास बहुत अधिक लाभ कर देगा, और ऑपरेशन करवा दे फिर धीमे धीमे भी योग अभ्यास शुरू कर दे तो फिर भविष्य में समस्या नहीं आएगी। अब सामान्य हृदयघात, कार्डिक फेलियर, कार्डिक अरेस्ट जिसको कहते हैं, व्यक्ति तीन चरण में आता है और फिर बचने के चांस कम हो जाते हैं। तो कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, इसमें हृदय की आवश्यकता के अनुसार रक्त पंप नहीं कर पाता है, रक्त जितना पहुंचना चाहिए हृदय को शरीर को देना चाहिए उतना दे नहीं पा जाता है, दे नहीं पाता है, और हृदय कमजोर हो चुके जो आलिंद निलय है वो जो कि पंप नहीं हो पाता, जहाँ भेजना होता है वो भेज नहीं पाता है, वापस वो वेंस इत्यादि को भेज देता है, तो उसके कारण तरल पदार्थ फेफड़े पैर और पेट में अवरोध उत्पन्न कर देता है, जो भी चूंकि रक्त की शुद्धि नहीं होती है वो वापस भेज देता है, तो वो वापस लंग्स में चला जाता है, पैर पूरे शरीर में फैल जाता है, और इससे फिर क्या हो जाता है एकदम हृदय में एक कार्डियक फेलियर जिसको कहते हैं, क्योंकि हृदय अपना काम करने में असफल हो जाता है इसलिए इसको कार्डियक फेलियर कहते हैं। रक्त की शुद्धि फेफड़े करते हैं, उसका काम है रक्त को वहां पहुंचाना, लेकिन वो पहुंचा नहीं पाता है, पहुंचा नहीं पाता क्योंकि उसमें कमजोरी आ जाती है, तो फेफड़ों को भेजना होता है वो फेफड़ों को भेज नहीं पाता है, तो फिर ये स्थिति आ जाती है। तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, हृदय का सिकुड़ते समय रुकना, और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, हृदय का फैलते समय रुकना, दोनों समय का ये है। ठीक है, तो सिकुड़ते समय अर्थात संकुचन के समय उसका रुक जाना, संकुचन नहीं हो पाना, और अथवा उसको खुलने के समय खुल नहीं पाना, जो हमने पढ़ा था ट्राइस्क्यूट वाल्व, उससे पहले भी या वेन से ब्लड आ रहा है या फिर आर्टरी से ब्लड कुछ दे रहा है, उन दोनों समय में भी जब हृदय क्या अपने काम उसके काम में रुकावट आ जाए, वेन से जब ब्लड को ले रहा है तब भी उसको खुलते हुए समय पूरा ना खुल पाना, ठीक है, और रुक जाना, इसी प्रकार जब ले लिया और ब्लड को पंप करना उसको लंग्स में, उसको नहीं कर पाना, या फिर लंग्स से ब्लड आ गया उसको आर्टरीज के माध्यम शरीर को करना है तो वो नहीं करना, तो वो काम जब नहीं रखता तो उसको इतना ब्लड उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ते ही वो रक्त एकदम उसको धक्का डालता है, और इसी को कार्डिक अरेस्ट कहते हैं, कार्डिक फेलियर कहते हैं। लक्षण क्या है, तो सबसे पहले श्वास की कमी, तत्पश्चात पैर और पंजों में सूजन आ जाती है, ठीक है, क्योंकि जो रक्त की शुद्धि नहीं तो रक्त के पैरों में ज्यादा हो जाते हैं, भूख में कमी आ जाती है, हृदय गति तेज और अनियमित हो जाती है, ठीक है, अत्यधिक मूत्र विसर्जन करना, छाती में अत्यधिक दर्द, शरीर एकदम फूलने लग जाता है, पेट पर सूजन, ये सारे के सारे इसके लक्षण हैं। कारण कोरोनरी हार्ट डिजीज हम पहले पढ़े, पहले का हुआ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय का बढ़ जाना, हृदय में संक्रमण, डायबिटीज, ये इत्यादि इसके कारण है। योगिक चिकित्सा, उस समय जो हृदय मुद्रा अपान वायु मुद्रा है ये थोड़ी मतलब बहुत अधिक तेज नहीं है तो लाभकारी होती है, और बाकी तो चिकित्सा के अलावा उसमें कोई नहीं, एक बार आ गया ठीक है, आने के पश्चात या फिर पहले आसन प्राणायाम उपयोगी है, उस समय वो आ रहा है और हम आसन प्राणायाम करने बैठेंगे तो लाभ नहीं मिलने वाला है। आप हाई बीपी बढ़ रही है, योग निद्रा करेंगे प्राणायाम करेंगे लाभ मिलेगा, लेकिन कार्डिक अरेस्ट आ रहा है और हम योग करने बैठेंगे तो फिर उसमें तो चिकित्सा ही चाहिए, औषधि ही चाहिए, उसको ध्यान रखना। फिर कार्डिक अस्थमा, हृदय जन्य दमा, कार्डिक अस्थमा हृदय की विफलता के कारण श्वास खांसी और श्वास की तकलीफ उससे के कारण उत्पन्न होता है। लक्षण अस्थमा के समान ही होता है, लेकिन फेफड़ों के साथ वायु मार्ग के भीतर हृदय में कुछ तरलता उत्पन्न करता है
और फिर उस तरलता के कारण हृदय में विफलता उत्पन्न होती है, विफलता उत्पन्न होती है। लंग्स के साथ साथ ये हृदय को भी, फेफड़ों के साथ साथ हृदय को भी प्रभावित करता है, इसके कारण इसको कार्डियक अस्थमा कहते हैं। श्वास की कफ अधिक होना, लेकिन वो कफ कहाँ चला जाना, हृदय में चला जाना है। तो इसमें भी छाती में बाएं तरफ पीड़ा, श्वास लेने में समस्या, नींद में श्वास के तरफ निरंतर खांसी इत्यादि, इसके वो लक्षण है। कारण फेफड़ों के साथ वायु मार्ग के भीतर और आसपास तरल पदार्थ का निर्माण, तरल कफ का निर्माण, श्लेष्मा का निर्माण। तो इसमें शुद्धि क्रियाएं महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसमें शुद्धि क्रियाएं काम कर सकती है, कम से कम तरल पदार्थ जो श्लेष्मा है उसके नाश के लिए। आसन इसमें उपयोगी है, आसन उपयोगी है, ठीक है। और प्राणायाम तो हृदय रोग और उन सब पे, लेकिन एकदम तीव्र हृदय रोग कोई भी हो उसको कोई भी योगिक क्रिया उस समय शीघ्र ठीक नहीं कर सकती, शीघ्र ठीक नहीं कर सकती, ये ध्यान रखना है। कुछ रक्तचाप वो कर सकता है, लेकिन एकदम कार्डियक अरेस्ट आ जाए, एकदम इसका प्रवाह आ जाए, कार्डियक अस्थमा का, तो ये सब चीजों को नहीं कर सकता, ठीक है। इसी प्रकार लकवे का आ जाए एकदम, तो लकवे को भी नहीं कर सकते, एक बार नहीं कर सकते, इनकी एक बार तो चिकित्सा आवश्यक है ही। अब अगला अपना जो रोग है वो एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अंतःस्रावी और चयापचयी विकार। अब प्रश्न आ जाएगा, मधुमेह किस प्रकार का बीमारी है, डायबिटीज, क्योंकि इंसुलिन की कमी है तो एंडोक्राइनल भी है, ठीक है, और मेटाबॉलिक चयापचय में गड़बड़ है। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है, जीवन शैली का विकार भी, और श्वसन तंत्र के रोग के अतिरिक्त सारे रोग संक्रामक नहीं होते हैं। श्वसन तंत्र और रक्त ही दो माध्यम है जिसके माध्यम से रोग संक्रामक होते हैं। डायबिटीज संक्रामक नहीं है, हृदय के जितने रोग है संक्रामक नहीं है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन की शरीर में मात्रा की कमी होना या फिर इंसुलिन का उत्पन्न नहीं होना, दोनों ही कारण से शरीर का ग्लूकोज क्या ग्लाइकोजन में बदलता नहीं है। और जब शरीर का ग्लूकोज ग्लाइकोज ऊर्जा में नहीं बदलता है तो शरीर में एक तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, दूसरा वो ग्लाइकोजन में नहीं बदलता है तो शरीर को ऊर्जा धीरे धीरे संचित होनी बंद हो जाती है। जब आवश्यकता पड़ती है तब तो ऊर्जा नहीं होती शरीर के पास, इसलिए वो डायबिटीज वाले को तुरंत भूख लगती है, ऊर्जा की आवश्यकता हो जाती है, इसलिए फिर वो खाता ऊर्जा मिलती है। तो दोनों कारण हो जाते हैं, इंसुलिन की कमी के कारण जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदल नहीं पाता है, इसलिए शरीर के पास स्टोरेज में ऊर्जा नहीं होती है और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो बढ़ी हुई ये ग्लूकोज की मात्रा किडनी से किडनी में अवशोषित नहीं होती है और मूत्र में निकलने लगती है। मूत्र में निकलती है तो मूत्र में जलन उत्पन्न होती है, शरीर में ऊर्जा नहीं बनती, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, ठीक है, इत्यादि कारण। और ये कई बार सकल रक्त में भी चली जाती है, रक्त में, तो फिर ये शरीर में कई फोड़े फुंसियां इत्यादि, खुजली इत्यादि, ये सब भी उत्पन्न करती है। इस प्रकार सामान्य रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ जाने को डायबिटीज कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं डायबिटीज, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहलाती है, जिसमें व्यक्ति को इंसुलिन चाहिए ही चाहिए, मतलब उसकी इंसुलिन बनती नहीं है। और दूसरे जो डायबिटीज मेलाइटिस है, जो प्रौढ़ावस्था का मधुमेह, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इसमें इंसुलिन बनती तो है लेकिन पूरी यथार्थ नहीं बनती है, कम मात्रा में बनती है। तो एक तो जिसमें जो टाइप 1 है वो ऐसा है जिसमें इंसुलिन चाहिए ही चाहिए, इंसुलिन बन ही नहीं पाती है, अधिकतर बच्चों में होती है, शुरू से ही होती है, क्योंकि बीच में एकदम ऐसा नहीं है। तो टाइप 2 ही प्रौढ़ावस्था में धीरे धीरे शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है, इंसुलिन की मात्रा बननी कम हो जाती है, और इसमें भी बननी बंद हो जाती है तो व्यक्ति को फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो ये दो प्रकार का डायबिटीज है। लक्षण, अधिक भूख, अधिक प्यास,
अत्यधिक बार मूत्र का आना, शरीर में कमजोरी, बिल्कुल शक्ति का नहीं होना, मुंह का स्वाद मीठा रहना, जीवा पर श्वेत परत का जमना, घाव देरी से भरना, हाथ पैरों में रूखापन, झुंझुनाहट, खुजली, पैर की पिंडलियों में पीड़ा, दृष्टि कमजोर, ठीक है, और तलवों में जलन, ये सब अब कारण है। तो इसके तीन कारण है, एंडोक्राइनल कारण एक, ठीक है, लाइफस्टाइल दो, और चिंता तनाव तीन, तीनों कारण है, ठीक है। तो मानसिक तनाव, अत्यधिक रोग शोक, अत्यधिक शोक, अत्यधिक चिंता तनाव, ये इसके प्रमुख कारण में से एक है। अत्यधिक देर तक भूखे रहना, शारीरिक श्रम का बिल्कुल अभाव होना, ठीक है, और किसी कारणवश हार्मोनों का सही संतुलन नहीं होना, ये इसके प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण है, ठीक है। मानसिक तनाव, मिठाइयों का अत्यधिक, बहुत अधिक मीठा खाने वाले लोगों को भी हो जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इसके कारण है वो शोक, चिंता, तनाव एक कारण, अत्यधिक भूखा रहना दो कारण, और श्रम का अभाव, परिश्रम का, व्यायाम का अभाव, ये तीसरा महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। अन्य फिर जो टाइप वन होता है वो अनुवांशिक कारण से होता है, अनुवांशिक कारण और हार्मोन में असंतुलन, इम्बैलेंस के कारण इंसुलिन का सही रूप से उत्पन्न नहीं होना, नई सिक्रेशन होना, ये भी कारण है। संभावित दुष्परिणाम क्या हो सकता है? चूंकि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो किडनी को प्रॉब्लम होती है, किडनी फिर शर्करा बार बार अवशोषित नहीं, छान नहीं पाता है, तो सबसे अधिक नुकसान गुर्दे और लीवर को उसमें होता है, लीवर में होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम हो जाते हैं, दृष्टि दोष हो जाता है, आंखों के रोग अधिक हो जाते हैं, मधुमेह, मूर्छा आ जाती है, शरीर में एकदम ताकत नहीं आना, शरीर में कम होना, पसीने आना, ये दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं, और नपुंसकता भी इसके दुष्परिणाम है। योगिक चिकित्सा, पूर्ण रूप से योगिक चिकित्सा कोई है नहीं, ठीक है, कि डायबिटीज पूरा पूरा ठीक हो जाए, पूरा पूरा ठीक हो जाए। तत्पश्चात भी बहुत सारे अभ्यास हैं जो डायबिटीज को प्रभावित करते हैं, तो कौन से, जो भी उदरीय इसको झिल्ली को, पेट को प्रभावित करते हैं, वो सारे आसन, सारे पद मुद्राएं, ठीक है, तो अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, हलासन, मंडुकासन, अर्धमत्स्येन्द्र और मंडुक विशेष तौर पे काफी प्रसिद्ध हैं, काफी अधिक प्रभावित करते हैं। प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्य वेदन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो चिंता तनाव को, मुद्राओं में उद्यान बंद, महामुद्रा, ये सब बहुत उपयोगी है, विपरीत करणी मुद्रा, शीतलीकरण में सवासन, योग निद्रा, शुद्धि क्रियाओं में जल नेति, ममन धोती, संघ प्रक्षालन की अग्निशार और मौलिक क्रिया, ये सारे के सारे इसमें उपयोगी है, क्योंकि ये उदरीय तंत्र को प्रभावित करते हैं, उदरीय तंत्र को प्रभावित करते हैं, तो पेट को ये प्रभावित करते हैं। अगला है थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, इसमें दो रसायन सीक्रेट होते हैं, दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, थायरोक्सिन और ट्रायोडोथायरोनिन, T3 T4 और थायरोक्सिन, है ना, और इन दोनों रसायन हमारे चयापचय की गति को, इनके कारण ही मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के, हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड, हाइपो में वजन बढ़ता है, हाइपर में वजन घटता है, हाइपर में वजन घटता है। अतिवृद्धि रूप में ग्रंथि द्वारा रसायनों का श्रवण अत्यधिक मात्रा में हो जाता है, ठीक है, तो थायरोक्सिन और T3 T4 का सिक्रेशन बहुत हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरथायराइड, और कम हो जाता है तो हाइपोथायराइड। अत्यधिक में व्यक्ति दुबला पतला, अत्यधिक दुबला पतला होने लग जाता है, और हाइपो में व्यक्ति मोटा होने लगता है, व्यक्ति मोटा होने लगता है, शरीर फूलने लगता है, ये इसके लक्षण है। इसके साथ साथ जो लक्षण है, भूख अधिक लगना, अधिक खाने पर भी शरीर में दुबलापन, हाइपरथायराइड का, ठीक है, मांसपेशियों में अधिक क्रियाशीलता, शरीर में कंपन, अस्थिरता, क्रोध, चिड़चिड़ापन, तीव्र नाड़ी गति, अत्यधिक गर्मी का एहसास, पसीने का आना, उभरी हुई आंखें, मंदता, ये सब इसके हैं, ये सब इसके हैं।
और हाइपो में है, वजन बढ़ जाता है, एकदम शरीर में स्थूलता आ जाती है, शरीर में कमजोरी होती है, काम कर नहीं पाता है, पसीना, ये सब आ जाते हैं। लक्षण क्या क्या है? कमजोरी, सुस्ती, भाव शून्यता, ठीक है, कब्ज इत्यादि, शरीर की मांसपेशियों में पीड़ा, भूख नहीं लगना, मोटापा बढ़ना, बाल कड़े हो जाना, आवाज में भारीपन, इसके लक्षण। इसका पूरा पूरा यौगिक चिकित्सा हो सकती है, इसकी पूरी की पूरी, क्योंकि थायराइड ग्रंथि से यह ग्रंथि को स्टिमुलेट ढंग से किया जाए, इसमें बैलेंस हो जाए, तो ये हो जाता है। तो शुद्धि क्रियाओं में यदि करेंगे तो रबर नेति, जल नेति और गोमन धोती ये इसको प्रभावित करते हैं। तत्पश्चात तो आसन में तो जितने गले के आसन है तो सारे के सारे इसको प्रभावित करते हैं। हलासन, मत्स्यासन, विपरीत करनी, सर्वांगासन, ठीक है, कर्ण पीड़ासन, चक्रासन, भुजंगासन, सुप्त वज्रासन, सिंहासन, ये सारे के सारे इसको प्रभावित करते हैं। प्राणायाम में उज्जायी प्राणायाम, विशेषतः भ्रामरी प्राणायाम, सूर्य भेदन, नाड़ी शोधन और भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है, ये प्रभावित करते हैं। बंद मुद्राओं में जालंधर बंद विशेषतः बहुत अधिक उपयोगी है, बहुत अधिक उपयोगी है। तो ये इस प्रकार इसकी चिकित्सा है। इसके साथ साथ इसमें दो चीजें बहुत लाभकारी है, एक तो ओम का उच्चारण जप, ठीक है, और दूसरा हरे धनिये का प्रातः काल में पानी, खाली पेट पीना, एक गिलास गर्म पानी में हरे धनिये, एक चम्मच हरे धनिये की चटनी, तो ये इसमें बहुत अधिक लाभ करता है, ये बहुत अधिक लाभ करता है। इस प्रकार ये थायराइड की चिकित्सा हुई, थायराइड की चिकित्सा हुई।